सो हाय दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो देख लीजिए, ये बैगन है जिसको कट लगा ली हूँ। थोड़ा सा मेरे मुंह से थोड़ा कम है इसका साइज और उतना बड़ा बैगन है, देख सकते हैं आप लोग कितना बड़ा है ये। तो इसको मैं अभी मतलब आग में भुनूंगी। भुनने के बाद मैं क्या बोलते हैं इसका भरता बनाऊंगी। तो भरता मैं बनाऊंगी कल सुबह, और अभी बस मैं इसको थोड़ा भून के ले आ रही हूँ। कल सुबह से मेरे को किसी का चूल्हा खाली नहीं मिलेगा और इसको चूल्हा में भूनना है। तो मैं कट मार देती हूँ, चारों तरफ मैं देख रही हूँ इसको अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रहने से भी बाद में दिख जाता है वो छिलते टाइम, है ना। तो कोई मुझे कुछ मांगा था, मैं लेके जाती, एक जन बेलन फाटा मांगे हैं, उसको लेके जाती हूँ अच्छे से दे दूंगी। और बच्चे लोग खेल रहे हैं, मोनू भी खेल रहा है, मैं वीडियो में बने रही है दोस्तों। सो फ्रेंड, देख लीजिए ये बैगन को मैं चूल्हे में भूंज रही हूँ। तो आप लोगों को अंधेरा दिख रहा होगा क्योंकि मैं दूसरे साइड गई थी और मेरा छांव आ रहा है इसलिए अंधेरा दिख रहा है। और इसको आप लोग घर के अंदर देखेंगे तो अच्छे से दिखेगा। तो देख लीजिए दोस्तों, बैगन हमारा भून के रेडी हो चुका है। और ऐसे ही आग में भुनने से बहुत ज़्यादा टेस्ट होता है इसको, इसीलिए आग में भून के बना रही हूँ मैं। सो फ्रेंड, आप लोग देख सकते हैं ये मेरा कढ़ाई गरम हो चुका है। इसमें मैं डाल रही हूँ ऑयल, थोड़ा ऑयल ज़्यादा ले ली हूँ। फिर इसको पूरा अच्छे से फ्राई करना पड़ता है। थोड़ा ऑयल गरम होने के बाद में मैं डालूँगी सरसों, तो अच्छे से फूटने देते हैं इसको। और ये मैंने एक मिर्ची कट किया है, तो मिर्ची आप दो तीन डाल सकते हैं, हरी मिर्ची बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। और ये टमाटर मैंने कट किया है, टमाटर दो कट किया है, हरी मिर्ची एक कट किया है। तो हरी मिर्ची मैं इसलिए कम ली हूँ क्योंकि ये जो तेल है वो मिर्ची का ऑयल है, जो मैंने मिर्ची फ्राई किया था देख लीजिए उसका ऑयल है, मैंने निकाला था, तो इसीलिए मैंने इसमें मिर्ची नहीं डाला है ज़्यादा। तो ये मेरा सरसों चटक रहा है, तो फ्रेंड मैंने इसमें डाल रही हूँ हल्दी और धनिया, सॉरी ये जीरा पाउडर है, मैं इसको बार बार धनिया ही बोलती हूँ। सो फ्रेंड देख लीजिए, टमाटर हमारा पक चुका है, इसको डाल देते हैं अभी बैगन को, इसको आराम से पकने देते हैं। इसमें और कुछ नहीं डालना है अभी, इसमें बस मैं डालूंगी धनिया पत्ती। तो मैं ये डाल दे रही हूँ धनिया पत्ती। ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा धनिया पत्ती मिक्स होने के बाद में।
हाथों हाथ में धोते जाती हूँ उसको। और देख लीजिए मेरा घर दो बार झाड़ू पोछा हो गया है सुबह से, फिर भी ऐसे ही फैल जा रहा है। मनु का कमाल है। सो फ्रेंड, काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। रेसिपी आप लोगों को कैसे लगा कमेंट करके बताना। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना। और हम लोग बलचा पार्टी क्या कर रहे हैं देख लो। ए मोनू का किधर लग गया बता दे। लग गया बेटा को। और ये मेरा उंगली कट गया है देख लीजिए, यहाँ जहाँ लाइनिंग है वहाँ पे, तो ये उंगली सीधा नहीं हो रहा है, टेढ़ा हो जा रहा है देख, बहुत ज़्यादा रेड हो गया है। तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। छोटा छोटा वीडियो डाल रहे हैं क्योंकि डाटा नहीं बच रहा है और क्या बोलते हैं इधर नेटवर्क का बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। तो ठीक है, बाय बाय।